मजे हो गए ना, इसको पूरा एक्वेरियम खाली मिल गया, अभी मस्ती करेगा। गाइस अभी मेरी व्लॉगिंग चालू नहीं है और ये देखा एक्वेरियम के पत्थर झुलना चालू हो गए। और आपको पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने एक्वेरियम खाली कर दिया है। ओह ये क्या है, ओह ये पूर्वी का पेड़ है, यही छोटी गया लगता है इसका। सो मैं पत्थर ढूल गया सारे, ये ढूल गए हैं पत्थर, ये सारी मछलियाँ बाहर आ गई है और ये हम साफ कर रहे हैं एक्वेरियम। कहाँ से धो के लाया पत्थर तुमने? सामने पानी रखा था ना, तो बोला था पीछे नल है वहाँ उसमें धो के ला, बढ़िया चला करके उसको आधा कर काम कर। नहीं तो मैंने वो रखा हुआ धोया ना, वहाँ पानी रखा हुआ था जो आज सुबह नल से भरे थे बोरिंग का, उससे दो बाल्टी यूज करके धोया मैंने। इसमें उसमें पानी डाला, फिर उसको इससे निकाला, फिर इसको वापस में डाला, फिर निकाला। तो गाइस अभी ये हो गया, अब वापस पानी इसमें लगा देंगे और नया पानी आ जाएगा, फिर मछली हो जाएगी खुश और इसको भी डालेंगे। हाँ तो ये लगा दिया हमने पाइप, और ये जाएगा सीधे अंदर, इसको और थोड़ा ग्रीन वाला भी जोड़ना पड़ेगा। मैं इस पाइप लगा दिया है और देखो कि कितना गंदा पानी निकला है, इसको जाके बाहर फेंकाऊंगा। चलो पानी चालू कर दिया जाए। मैं देखो ये क्या चल रहा है टीवी पे, ये है गाइस मेरा गेमिंग चैनल मारियो गेमिंग, पहले हुआ करता था 4 साल पहले, फिर मैं नाम बदल दिया। बट ये जब मैं पबजी खेला करता था, जब मैंने लाइव स्ट्रीम की थी यूट्यूब पर, सो ये वाला गेम प्ले है। वो पानी चालू हो चुका है, पत्थर लगा देता हूँ पहले मैं। तो गाइस साफ हो गया एक्वेरियम, मैंने पत्थर भी जमा दिए और टर्बो को भी डाल दिया और फिल्टर विल्टर सब बदल, पानी बदल दिया सब। बट अभी पानी थोड़ा गंदा है, सो थोड़ा फिल्टर चलने दे रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा आधे घंटे फिल्टर चलेगा, पानी साफ हो जाएगा, फिर मछली को डाल देंगे। इसके तो मज़े हो गए ना, इसको पूरा एक्वेरियम खाली मिल गया, और ये मस्ती करेगा क्योंकि इसको मैं डाल सकता हूँ पानी में, गंदे पानी में आराम से तैरता है ये देखो, बस इनको नहीं डाल सकता। देखो पूरा एक्वेरियम खाली मिल गया, मस्त मज़े कर रहा है वो, टेंशन ही नहीं। क्यों डर वो, हाँ टेंशन नहीं कोई, मस्त। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग, कैसे हो आप सब, होप सो आप सब बढ़िया होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से, आपको पता है अपनी छत जो है प्यारी सी व्यू वाली, वो उसके साथ स्टार्ट हो रहा है आज का व्लॉग। और देख सकते हो आप पीछे क्या नज़ारे हैं। बट अभी हम लोग को जल्दी चलना है, इसलिए मैंने ले लिया गाड़ी की चाबी और अभी अपन जा रहे हैं एक्वेरियम शॉप, क्योंकि भैया ने बताया कि वाटर प्लांट्स आ चुके हैं और मैंने बहुत दिन से कॉन्टेक्ट करने के रखा था कि भैया जैसे ही वाटर प्लांट्स आते हैं मुझे कॉन्टेक्ट कर देना, क्योंकि मैं लेने आऊँगा। क्योंकि गाइस एक्वेरियम में जो है ना वो प्लास्टिक के प्लांट्स हैं, और ना मुझे लगता है कि प्लास्टिक की जो प्लास्टिक रहती है और लाइव प्लांट्स लाइव होते हैं, सो इसलिए अपन जाएंगे वो प्लांट्स लेने अभी अभी एक्वेरियम में और फटाफट लेके आते हैं। चलो उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना मत भूलना, ठीक है। एक चीज़ और अपने साथ, ये कपड़े मम्मी के जो प्रेस के लिए देना है। ओ भाई घर के काम तो भाई होते ही है, कुछ ना कुछ ना कुछ करने जाओ तो। तो गाइस कपड़े तो अपन ने दे दिए, चलते हैं आगे एक्वेरियम। अगर हम अपने एक्वेरियम शॉप चलते हैं, भाई सोया इसको उठा नहीं सकते, तो एक्वेरियम में फिश दिखा दूं। अपन रोज आते हैं, ये तो हमारा काम ही है देखना कि क्या क्या नया आया है सब। ये क्या हो गया, ये इनके लिए छुपने के लिए बहुत मस्त जगह है। और कुछ बदलाव होता हुआ यहाँ पे, ये है गाइस लाइव प्लांट, मैं इसकी बात कर रहा था, देखो देख रहे हो मस्त। ये बड़ा है भाई, ये देखो कितना छोटा एक्वेरियम है, ये देखो इतना सा एक्वेरियम छोटा सा, देख रहे हो कलर टेट्रा है इसमें मस्त। भाई जी देखो इन लोग सब बड़े हो गए, बच्चे ये जो थे आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, छोटे छोटे से थे, ये देखो बड़े बड़े हो गए सब, इतने हो गए एक हफ्ते में, इतने बड़े हो गए ये। इस प्लांट तो मुझे डेड से लग रहे हैं, देखो जब लास्ट टाइम आए थे ना एकदम ताज़े ताज़े लग रहे थे, बट अभी ना डेड हो गए ये,
देखो वहाँ पे भी, तो मैं सोचा हूँ प्लांट ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ ये देखो वो भी डेड हो गया। मुझे लग रहा है कि ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इनको लाइट चाहिए, यूवी लाइट चाहिए, जो होता है ना फुल एक्वेरियम में वैसा कुछ। देखो है रैबी, रैबी कैसे देख रहा है, देखो ये माउस है, क्लैप कर रहा है जी आपके लिए। तो गाइस अपन को प्लांट तो नहीं मिला, बट अपन ने ये ले लिए फाइटर फिश। तो चलो, मेरे बहुत दिन सोच रहा था, आज मिली गई, मस्त सुंदर है। चलो एक्वेरियम में ले चले तो फटाफट। पहुंच चुके अपन लोग वापस से घर, और आप सब चीज अंदर ले चलते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा ना बाहर रखा हूँ, क्योंकि ना अभी एकदम से नहीं डाल रहा हूँ एक्वेरियम में, उसको खाना दे दे रहा हूँ। और देखो कितना प्यारा लग रहा है। बस इसकी मैं आपको एक और डिटेल बता दूं कि फाइटर फिश जो होती है ना, वो ना अकेली रहती है। मतलब अगर एक्वेरियम में ना, अगर आपका एक्वेरियम है और इसमें अगर इतना बड़ा एक्वेरियम है, चाहे जितना बड़ा एक्वेरियम हो, अगर आपको उसमें फाइटर फिश रखनी है ना, तो गाइस तो एक ही रह सकती है, केवल एक, क्योंकि ये अपने टेरिटरी में और कोई फिश, मतलब और कोई फाइटर फिश को आने नहीं देती, तो फिर फाइट करती है और काट देती है, एक दूसरे को ख़त्म कर देती है। तो गाइस क्या होता है, एक फिश टैंक में सिर्फ एक ही रख सकते हैं इनको। तो ये गाइस इनका ये रूल है यहाँ पर, इसलिए मैंने एक ही लाया है, और ना एक ही फाइटर फिश एक टैंक में रहेगी बस, कि बाकी और कोई फिश है इनका कोई लेना देना नहीं। इनकी प्रजाति की फिश नहीं होनी चाहिए इनके टैंक में, बाकी और किसी को नहीं काटती। ऐसे देखो ये टर्बो, और ये ना न्यू मेंबर क्रिश, क्रिश नाम रख दिया मम्मी ने, बोला इसका नाम क्रिश रख दो, इसका नाम क्रिश रख दिया अपन ने। अब ये पता नहीं बस शर्मा रहा है, निकल क्यों नहीं रहा है ये ना, अभी इसको नया नया लग रहा है ना सब, इसलिए ये ना कहाँ गया, ज़्यादा निकल नहीं रहा। इसका नेचर देखो आप, ये जो आप देख रहे हो ना, ये टॉय, ये मैंने क्रिश के लिए रखा है। मुझे पक्का यकीन है कि वो जैसे ही 2-3 दिन में हैबिचुअल हो जाएगा टैंक में, एक्वेरियम में, सोना पक्का इसको अपना घर बनाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम बेरी भी जो है ना, इसमें चले जाता थी और यहीं पे रहती थी। अंधेरा पसंद होता है फाइटर फिश को, सो मुझे पक्का यकीन है कि कहाँ गया क्रिश, वो है टर्बो के पीछे घूम रहा वो। तो इसमें जाएगा वो पक्का है, कोई तरह घूमने आ गया। हेलो, थैंक यू टीम, आई फाउंड यू। लुका छुपी खेल रहे क्या, मिल गया। अब बाहर आया है थोड़ा, देखो जा रहे है उस तरफ, टॉय की तरफ जा रहे है वो। मुड़ क्या,
वापस जा रहे हैं। वो बीच वाला हो जाएगा ना गाइस, तो पूरा एक्वेरियम उसका ही आएगा। देखो पूरी जगह तहकीकात कर रहा है वो, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना मुझे। चलो उसको थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं अभी अपन। तो ऐसी क्रेश हमारा इधर घूम रहा है, देखो हो रहा, मेरे को पता है वो धीरे धीरे रहा ऐसा ही सब चीज तहकीकात कर रहा है। हाँ कौन गप्पीस? ये रही गप्पीस, नानी कह रही गप्पीस इसके साथ घूमती है। कहाँ जा रहे? मम्मी ऊपर जाने का सीन क्रिएट कर रही थी, सीन गाइस ऊपर बैठी है मम्मी। और गाइस यहाँ देखो क्या चल रहा है। गेस व्हाट, दिस इज रोम। तो नानी रोम घूम रही है। चले बंद कर दे इटली, रोम, रोम इज कैपिटल ऑफ इटली। और ये व्यूज देखो गाइस बहुत बढ़िया है। चलो बंद करो ऊपर चले जाए। तो गाइस मैंने टॉर्च ऑन किया है देखने के लिए कि कैसे शाइन करती है। देखो मैंने देखा बहुत बढ़िया शाइन करती है। अब टॉर्च ऑन कर रहा हूँ मैं फ़ोन का, देखो सिल्वर प्लेट्स सिल्वर शाइन आ रही है उनके ऊपर। मैंने एक्वेरियम का लाइट फुल ऑफ कर दिया, पूरा बंद कर दिया। शाइन कर रही है। और ये हमारी मस्त शाइन कर रहा है क्रिश, एकदम मोर के पंख लग रहे हैं। अच्छा डिजाइन डिस्टर्ब नहीं करते इनको टॉर्च, इनको लोग को ना डिस्टर्ब होता है। यही गप्पीज तुम्हारी गप्पीज। सो गेस व्हाट, अब कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ऊपर, इसके ऊपर है। हमें बुलावा आया है नानी और मम्मी का। ओह जिस बात का मुझे लग रहा था वो ये है, यही हुआ। ठीक है देखो इसने अपना घर यहीं बना लिया है, इसमें को लग रहा है बस आके ऊपर बैठ जाएगी और पता नहीं क्या देखती रहेगी वहाँ से। पता नहीं इसको क्या दिख रहा है उधर से, बस आके यहाँ बैठ जाएगी। रोज़ का है, कल भी यहीं आके बैठ गई। देखो डर रही है, पास जाओ तो ठीक है बैठो भैया, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे अब हम। वाह ये मस्त बैठ गए। हाउ जी खेल गया फ्री वाली खेलेंगे। मस्त हवा चल रही है।